जी सर, कसम दिया एक कर रहा क्वेश्चन का नाम ही बता दें सर। निकालना जरा एक मिनट, कोई कंफ्यूजन है। हाँ तो बताओ, क्लास है एंट्री जी सर, कर दी कंप्लीट ये ऑनलाइन स्टार्ट। ऑनलाइन शॉर्ट से कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन किसी का। अब टेस्ट कहाँ तक पहुंचे हैं, कंसोलिडेशन तो फ्री हो गए, आपने तो मुझे देना है। नहीं, दो हो गए। चलिए, थोड़ा सा टाइम अब लीज को देना शुरू करें। यहाँ से एक वैसे थर्ड भी है, दो दिन ठहर के दे दे, 30 पेज निकालूंगा। ये जो पेज मैंने दिए थे ना, इसके जरा संभाल के रखिए, इसके बैक साइड पे IS12 का क्वेश्चन है, जो वो मेरे ख्याल अभी क्वेश्चन ठहर गया, तो मैं दोबारा एक दो क्वेश्चन पहले रिवाइज करने को पूरी इंडिविजुअली टाइप की जगह। तो पेज नंबर 330 पे ना, क्वेश्चन नंबर 2, 3, ये सिंपल से दो सवाल है, इनको जरा रिवाइज कर लीजिए, जिनका पिछला रहता है लीज के हवाले से। वैसे तो ये अभी जितने भी है, 2 से लेकर 6 तक, एक दो दिन में अगर कोशिश करें तो करके रखें। जी, अभी है बस इसमें एक पहले ये करें, फिर छोटी सी चीज़ है। पेज नंबर 1 निकालना फिलहाल। ये पेज आपके साथ शेयर नहीं होते ग्रुप में? जॉनी सर से पूछो, सैटरडे वाला पेज शेयर नहीं होते? जॉनी सर से आपके साथ शेयर हो गया था पेज? ये जरा अपनी है, पेज एक दिया है, दोबारा शेयर कर दूंगा। कौन कौन ये F2 में किया था लास्ट क्लास? चलो सर, नेक्स्ट नेक्स्ट डिस्कशन स्टार्ट कर लो। IFRS 15 रिलेट्स टू रेवेन्यू सर। रेवेन्यू किसे कहते हैं सर? सही है, सही है। रेवेन्यू प्रॉफिट को नहीं कहते थे, लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो गुड्स बेच के रेवेन्यू जनरेट करते हैं, नहीं मैन्युफैक्चर करके बेचते होंगे, या गुड्स खरीद के बेचते होंगे या बना के बेचते होंगे, तो वो तो सेल ही है। लेकिन क्या सेल के अलावा भी कोई मेन इनकम हो सकती है किसी की? अगर कोई प्लाजा प्लाजा ओनर है तो उसकी रेंट इनकम, तो जो मेन बिजनेस की इनकम है उसे रेवेन्यू कहते हैं। प्रॉफिट किसे कहते हैं? इनकम में से, बल्कि रेवेन्यू मीन्स इनकम है शायद, और इनकम फिर गुड्स की भी हो सकती है और सर्विसेज की भी हो सकती है। तो इनकम में से जब एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो फिर प्रॉफिट आता है, तो मेन बहस प्रॉफिट की नहीं है, इनकम मीन्स रेवेन्यू की।
थोड़ा सा इसका इनिशियल इंट्रोडक्शन सॉर्ट ऑफ है, पेन पकड़ेंगे आपने, स्टोरी से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो एक वैसे ही एक इंट्रोडक्टरी तौर पे लिखा हुआ है, ये जो स्टैंडर्ड बना है ये प्रेस करते हैं। सर जी जान दें मुझसे, सर सर माधुरा चाहता मैं, खुदा का नाम नहीं है। ये जो स्टैंडर्ड हम पढ़ने लगे हैं इसने पुराने दो स्टैंडर्ड्स को रिप्लेस किया हुआ है, आईएस 18 एक था और फिर एक आईएस 11 था, मतलब ये वैसे ही थोड़ा सा शायद आइडिया होना चाहिए। आज इन रेवेन्यू की डेफिनेशन क्या है? रेवेन्यू अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ एन इनकम अराइजिंग, वो इनकम जो कमाना बेन बिजनेस एक्टिविटी है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, मतलब जिस मकसद के लिए बिजनेस बना उस मकसद में इनकम जो कमाई जा रही है, मेन इनकम वो रेवेन्यू होता है। इधर ऐसे ऐसे जी सर, रेवेन्यू किसे कहते हैं सर? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटीज क्या होता है? बिजनेस जिस मकसद के लिए बना है उस मकसद में, उस मकसद को हासिल करते 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 जो इनकम कमाई गई वो रेवेन्यू। क्या अदर इनकम्स भी होती हैं? कस्टमर होता सर, एक सेलर है एक बायर है। तो स्टैंडर्ड में जब भी कहीं वर्ड आएगा ना एंटिटी, तो आपने उसे सेलर समझना, ये रेवेन्यू कौन रिकॉर्ड करेगा? लेकिन सेलर किसको चीजें या गुड्स या सर्विसेज बेचेगा? तो कस्टमर किसे कहते हैं? कस्टमर इज अ पार्टी, नहीं स्टैंडर्ड में लिखा, दैट हैज कॉन्ट्रैक्टेड टू विद एन एंटिटी। एंटिटी मीन्स सेलर, तो पेइंग द गुड्स और सर्विसेज दैट आर एन आउटपुट किसकी है? एंटिटी मीन्स सेलर की आउटपुट किसके पास जा रही है? तो बहरहाल ये डेफिनेशन ऐसे कोई अब याद करने वाली बहस अलहमदुल्ला नहीं रही है, बस पढ़ते जाएंगे जहां जहां जरूरत पड़ेगी एक्सप्लेन करता रहूं। देन सर, इस स्टैंडर्ड का जो कोर प्रिंसिपल है, मेन जो इसका प्रिंसिपल है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड कब होना है, बहुत सी बातें आपने भी पहले सुनी नहीं है, उन्हीं को फर्दर जरा रिफाइन करें। इस स्टैंडर्ड का कोर प्रिंसिपल ये है, इज दैट एन एंटिटी अ सेलर रिकॉग्नाइजेज रेवेन्यू टू रिफ्लेक्ट द ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर in an amount that reflects consideration to which the entity expects to be entitled in exchange for goods or services. The baradar point, entity recognizes revenue to reflect jaise jaise goods or services transfer hoti jaye aur un goods or services ko transfer karte karke जिस कंसिडरेशन का एंटाइटल होना है एंटिटी ने, उस कंसिडरेशन पे गुड्स ट्रांसफर करते करते रेवेन्यू रिकॉर्ड होता रहना चाहिए। एंटिटी रिकॉग्नाइजेज रेवेन्यू तो रिफ्लेक्ट, क्या रिफ्लेक्ट करे? इस अमाउंट पे रिकॉग्नाइज करे जिस कंसिडरेशन पे उसने एंटाइटल होना है इन एक्सचेंज फॉर ट्रांसफरिंग दोज गुड्स एंड सर्विसेज। तो मीन्स उसे जैसे जैसे गुड्स या सर्विसेज ट्रांसफर हो रही हैं, वैसे वैसे उन गुड्स या सर्विसेज के अगेंस्ट जिस रेवेन्यू पे एंटाइटल होना है, जिस कंसिडरेशन पे सेलर ने एंटाइटल होना, उस कंसिडरेशन पे रेवेन्यू को क्रेडिट हो जाना चाहिए। कब होना चाहिए रेवेन्यू को क्रेडिट? जैसे जैसे गुड्स और सर्विसेज ट्रांसफर हो जाए, किस अमाउंट पे क्रेडिट होना चाहिए? जिस कंसिडरेशन पे एंटिटी एंटाइटल हो जाएगी इन एक्सचेंज फॉर ट्रांसफरिंग दोज गुड्स एंड सर्विसेज। तो ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में मेन वर्ड। अब अगला सवाल, गुड्स ट्रांसफर कब हो जाती है? नेक्स्ट लाइन सर, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन पहले पढ़ दो। ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अकर व्हेन द कस्टमर ऑब्टेन्स कंट्रोल ऑफ गुड्स। रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होना चाहिए? जब गुड्स और सर्विसेज ट्रांसफर हो जाए। गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर कब हो जाएंगे? जब कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा, रिस्क एंड वार्ड भी आ जाता है, कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा। अगला सवाल, कंट्रोल कब ट्रांसफर हो जाता है? सर आगे पढ़ो, लिखा हुआ
यहाँ भी पढ़ के देखते हैं मेरे ख्याल, कंट्रोल इज ऑब्टेन्ड बाय कस्टमर, बल्कि यहाँ लिखा व्हेन द कस्टमर ऑब्टेन्स कंट्रोल, जब कस्टमर के पास कंट्रोल चला जाता है ऊपर, तब कस्टमर के पास कंट्रोल कब आ जाएगा, व्हेन द कस्टमर हैज द एबिलिटी टू डायरेक्ट द यूज एंड ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल द रिमेनिंग बेनिफिट्स फ्रॉम द एसेट। चीजें कस्टमर के पास या चीजें कस्टमर के कंट्रोल में उस वक्त कहलाएंगी जब कस्टमर की एबिलिटी होगी कि वो जैसे चाहे इस्तेमाल करे और उनसे बेनिफिट्स लेने, उनसे सारे बेनिफिट्स लेने की पोजीशन में आ जाए। अब यहाँ जब एसेट वर्ड आएगा तो अकॉर्डिंग टू IFRS 15 इसमें फिर गुड्स और सर्विसेज बोथ कवर्ड है, और गुड्स में भी क्या क्या कवर्ड है, टेंजिबल भी हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर अगर कोई हो तो सॉफ्टवेयर भी कंट्रोल में आ सकता है कस्टमर, तो फिर इंटेंजिबल भी, तो गुड्स कौन कौन सी हो सकते हैं, और यहाँ जब एसेट वर्ड आएगा तो वो एसेट कौन कौन सी चीजों को कवर करेगा। अब डेफिनेटली वो जो हम वर्ड जिस वर्ड से हम जरा बचपन से फेमिलियर रिस्क एंड रिवॉर्ड उधर आगे आता है तो कंट्रोल ट्रांसफर होने की इंडिकेशन में फिर वो भी आ जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड के ये जो वर्ड्स हैं यहाँ से तीन चीजें, नंबर एक रेवेन्यू का रिकॉर्ड होना है जब गुड्स या सर्विसेस कस्टमर का ट्रांसफर होना है, गुड्स या सर्विसेज कब ट्रांसफर हो जाती है, जब कस्टमर ऑब्टेन कर लेता है कंट्रोल ऑफ गुड्स, और नंबर थ्री कंट्रोल कब ऑब्टेन हो जाता है, एक नजर देखने की कोशिश, कुछ कुछ कंफ्यूजन। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं सर इसमें से अक्सर, तो एक जमाना होता था कि स्टैंडर्ड रट्टा लगाना पड़ता था, अब क्योंकि स्टैंडर्ड आपने ले लिए हुए हैं तो ये जो हम डेफिनेशंस वगैरह पढ़ेंगे ऐसा याद करने वाली चीज नहीं है, यानी कि फिर बना स्टैंड ले लिए हुए सर ने डेफिनेशन लिखी है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, इस डेफिनेशन को भी शायद हम पढ़ने की पोजीशन में नहीं है, जरा थोड़ा सा और आगे पढ़ लेना चाहिए, लेकिन जरा सिंपली वर्ड्स का ट्रांसलेट करें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, एक सेलर बायर ध्यान रखकर गुड्स या सर्विसेज देना किसकी ऑब्लिगेशन है, सेलर की, तो सेलर ने क्या परफॉर्म करना, या चीजों वाली ऑब्लिगेशन परफॉर्म करनी है या सर्विसेज वाली, और कस्टमर ने क्या करना होता, कंसीडरेशन देने, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेलर की होगी या परफॉर्म करना शायद वो तो उसका कंसीडरेशन, चले आगे चलते हैं बिल्कुल, बस इस डेफिनेशन को भी मैं स्किप करके आगे जा रहा हूँ। फाइव स्टेप मॉडल, इस स्टैंडर्ड में पांच स्टेप्स बताए हुए हैं जिन स्टेप्स से गुजर के फिर रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए, अब इस तरीके से शायद हमने कभी पहले सोचा ना हो, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं जिसका मैं पता ना हो। अप्लाइंग द अबव कोर प्रिंसिपल, जो ऊपर उसने कोर प्रिंसिपल बताया आपको जिसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड होना है टू रिफ्लेक्ट द ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको अगर अप्लाई करना है तो कहता है पांच स्टेप से गुजर के आप रेवेन्यू तक पहुंचे। स्टेप नंबर वन, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, सेलर बायर का आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, आइडेंटिफाई सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, फिर इसमें ये देखना होता है कि सेलर ने क्या क्या परफॉर्म करने का वादा किया है, और हो सकता है एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस भी हों, वो कैसे हो सकती है अभी एग्जांपल में जाता है। नंबर थ्री, डिटरमिन द ट्रांजेक्शन प्राइस, नंबर फोर एलोकेट द ट्रांजेक्शन प्राइस टू ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, अगर दो या दो से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है तो ट्रांजेक्शन प्राइस से कैसे देंगे, सॉर्ट ऑफ सेल प्राइस, अगर कंबाइंड सेल प्राइस है फॉर एग्जाम्पल 1,00,000 रुपया और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस 3 है तो उसे फिर एलोकेट होना चाहिए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस पे, उसकी वजह ये हो सकती है कि आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो सकता है कि तीनों चीजों की इकट्ठी परफॉर्म ना हो, मीनिंग क्या अभी एक एग्जाम्पल करते हैं, लेकिन स्टेप 5 रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन
और एज द एंटिटी सेटिस्फाइज अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, इस सेंटेंस को जरा विदाउट ब्रैकेट पढ़ेंगे। रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन द एंटिटी सेटिस्फाइज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होना चाहिए? जब सेलर अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दे। लेकिन अब इसी सेंटेंस को जरा इस तरह से अपने बोर्ड पर देखना, रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एज द एंटिटी सेटिस्फाइज अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब इसमें असल में व्हेन शायद गुड्स के लिए वर्ड है, रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन द एंटिटी सेटिस्फाइज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। गुड्स के एंगल से शायद कोई एक लम्हा होता है जिस समय परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाती है, जब चीजें पकड़ा देते हैं। लेकिन सर्विसेज शायद साथ साथ, फॉर एग्जाम्पल आपको अकाउंटिंग सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एक साल का, एक महीना गुजर गया, तो क्या इस महीने गुजरने के बाद इस महीने की सर्विसेज का रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए? एज द सर्विसेज आर परफॉर्म, तो व्हेन शायद कवर करेगा गुड्स की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, और एज कवर करेगा तो व्हेन और एज द एंटिटी सेटिस्फाइज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। हाँ, जरा सस्पेंस क्रिएट ऐसे ही हो गया। एग्जाम्पल जरा एग्जाम्पल को फिर लिंक करते हैं जो परफॉर्मेंस पॉइंट से। On 1st December 2001, Vaseem receives an order from a customer for a computer as well as 12 months technical support. Vaseem को order मिला customer से computer का भी और technical support, समझ जाएंगे? Services हैं शायद। Vaseem delivers the computer and thus control. क्या अगर कंप्यूटर डिलीवर कर देगा तो कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा? ऑन द सेम डेट 1st December द कंप्यूटर सेल्स फॉर 30,000 एंड द टेक्निकल सपोर्ट फॉर 12,000 पर एनम। द कस्टमर पेड 42,000 अप फ्रंट, का मतलब उसी वक्त शुरू में इकट्ठा कस्टमर ने कितने पैसे दे दिए? Discuss how revenue should be recognized for this transaction during the year ended 31st December 2001. कितने महीने बाद year end आ गया? अच्छा जी, कितने महीने में आ गया सर? पेज के नीचे जगह जरा कुछ एंट्रीज करवाएंगे। 1st December 2001. जी सर, एंट्री करवाएंगे। कैश डेबिट कितना? 42,000। रेवेन्यू क्रेडिट कितना? रेवेन्यू फ्रॉम सेल। अब सिंपली ये सेल है, मैंने जानबूझ के बट लिखा था। सेल क्रेडिट कितने सर? 12,000 फिलहाल क्या है? अंडर सारी अंडर किस दिन? Unearned service income शायद, unearned technical support income। December 31st तो एंट्री करेंगे पहले। unearned service income डेबिट, service income डेबिट कैसे? 12,000 डिवाइड बाय 12 इनटू 1 मंथ गुजरा था 1,000। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से मिला 11,000 अभी अन एंड सर्विस इनकम लायबिलिटी के तौर पे आ रहा होगा। ये एंट्रीज लिखा है।
अब आए इधर ऊपर जो पांच स्टेप्स लिखे हुए थे, इन स्टेप्स को तो अप्लाई नहीं किया हमने। स्टेप वन आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट कोई जरूरी नहीं है, डेफिनेटली लीगल सिचुएशन अपनी जगह होगी, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं है कि रिटन हो, जरूरी नहीं है कि इवन ओरल भी हो। मसलन कई दफा हमें पता भी नहीं चलता, कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है और चीजें खरीद के हम घर भी आ जाते हैं। मसलन अगर आप कोई चीज खरीदने गए हैं तो आम हालात में भी एक शायद एम्प्लॉयड सा हो जाता है, आपने जाके फॉर एग्जाम्पल कहा मुझे WOT दे दे, तो ना कुछ लिखा ना कुछ किया ना इवन सोचा कि मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, उसने आपको WOT पकड़ा भी दी, आपने पैसे दिए घर भी आ गए, क्या पांचों स्टेप पूरे हो गए? पढ़ के देखो जरा, कॉन्ट्रैक्ट तो वही है, मतलब ये कुछ जरूरी नहीं रिटर्न हो और इवन ओरल हो, कुछ वही होगा तभी ये सब कुछ हुआ, लेकिन क्या ये रिटर्न भी हो सकता है? तो भी आगे की बात है कि बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हो। सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक ही थी बस, नहीं उधर एक ही थी, मतलब मैं जो एग्जांपल WOT थी, लेकिन यार एलिजिबल एग्जांपल बिलिंग करें जरा, यहाँ कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, मशीन ने क्या क्या देना है, कंप्यूटर एंड टेक्निकल सपोर्ट, ट्रांजेक्शन प्राइस डिटरमिन करें 42, ट्रांजेक्शन प्राइस इज द प्राइस ऑफ द एग्रीमेंट 42. Number 4, allocate the transaction price to each performance obligation 30,000 and 12,000. Last, recognize revenue when the computer is delivered on 1st December and recognize the revenue as the technical support is provided to satisfy the performance obligation related to technical support. Ek mahina guzra tha main screen record karta. तो मीन से ये जो पॉइंट्स हैं ये डेफिनेटली एक आसान सी सिनेरियो में भी अप्लाई हो सकते हैं और मुश्किल जो सिचुएशंस होंगे उनमें भी अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट पेज पे ले जरा, ये चार ये जो पांच पॉइंट्स मैंने बोला जरा एक्सप्लेन हुआ है इसी इस वसीम वाली एग्जांपल में। स्टेप फोर में जब आएंगे तो उसमें परेशान नहीं होगा, मैं नेक्स्ट एग्जांपल में डिस्कस करता हूँ। ट्रांजैक्शन प्राइस सिंपली मींस क्या है, मैंने लिखा था मैंने सेल प्राइस, हमने फिलहाल किसी खास एलोकेशन की जरूरत नहीं पड़ी, 42,000 का सीधा ब्रेकअप दिया हुआ था 30,000 एंड 12,000, लेकिन ये पॉइंट फोर में क्या लिखा हुआ, नो नीड फॉर एलोकेशन क्यों, ये फिर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में पढ़ा। अब स्टेप फाइव रहा, बाकी तो नहीं कोई मसला नहीं फोर के अलावा। Another example on page number 2, mid. On 1st January 16, you phone वैसे पुरानी बात हो गई है, you phone नहीं मेरे ख्याल, you phone gave bundle offers, ये जो standard बदला है ना सब में ISA team, पिछले पेज पे देखें कि standard बदले दो, इसकी main बदले telecom industry, टेलीकॉम इंडस्ट्री, इसने ऐसे ऐसे तरीके निकाल दिए हैं चीजें बेचने के जो पहले का इंसान सोच भी नहीं सकता था। उसमें से एक बंडल ऑफर, ये क्या होती है सर, अच्छी ऑफर नीचे वाली पढ़ लेते हैं, तो बोलते एक बंडल ऑफर सर है, कस्टमर को ऑफर है क्या, फ्री हैंडसेट उसे मिलेगा, आवाज़ लगा रहे होते हैं फ्री हैंड्स फ्री हैंड फ्री मोबाइल 1st January 2016 प्लस 12 मंथ्स नेटवर्क सर्विसेज फॉर ₹100 पर मंथ और देयरफॉर टोटल
पैसे कस्टमर से लिए जाएंगे 1200 रुपये, 1200 आसान से फिगर्स के साथ। दोबारा तरफ पढ़े, हैंडसेट के कितने पैसे लिए जाएंगे और इसके साथ क्या है, नेटवर्क सर्विसेज है, कितने महीनों की है, हर महीने के कितने पैसे लिए जाएंगे। तो कस्टमर इज रिक्वायर्ड टू पे 100 एवरी मंथ फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स, और उसे इसके रिटर्न में क्या क्या मिलेगा, एक मोबाइल फोन में मिल जाएगा, फिर नेटवर्क सर्विसेज उसे मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब आप जरा एंटिटी बन जाए, यू फोन बन जाए, फ्री वाली सर्विस दुनिया में कोई बहस ही नहीं है, ठीक है। लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह के नारे लग सकते हैं और नौजवान कन्विंस भी हो रहा है, लेकिन आपने यकीन अब क्या किया होगा, 1200 जहन बनाया जरा, इस 1200 में आपने क्या क्या कवर किया होगा, लेकिन उस कस्टमर से क्या डील हुई है आपकी कि उससे आपने 100 पर मंथ लेना। लेकिन आप जरा नीचे आए नेक्स्ट, अब इस सॉरी बल्कि काफी थी इस सिचुएशन में, समटाइम्स जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट आप इकट्ठी सेल कर रहे हो तो एक बल्क डिस्काउंट का भी कॉन्सेप्ट हो जाता है। मसलन अगर एक कुछ कस्टमर एक ही कोई यूनिट खरीद रहा हो तो अगर सपोज आपकी 200 प्राइस है तो साथ आप समटाइम ये ऑफर कर देते हैं अगर दो खरीदेंगे तो बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट वन फ्री भी हो जाता है। फिर वो प्राइस भी अगर फॉर एग्जाम्पल दो यूनिट खरीदेंगे तो 190 के पर यूनिट हो जाएगा। तो ज्यादा चीजें इकट्ठी बेचें तो इसमें समटाइम्स एक बल्क डिस्काउंट का भी कॉन्सेप्ट होता है। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ेगा, लेट्स अज्यूम एक वर्ड अब आएगा बार बार, एक तो आ गया ट्रांजेक्शन प्राइस और एक वर्ड है स्टैंड अलोन प्राइस। ट्रांजेक्शन प्राइस मैंने क्या बताया, रेवेन्यू समझना है, सेल प्राइस। स्टैंड अलोन प्राइस उस प्राइस को कहते हैं, भी डेफिनेशन मतलब टेक्निकलिटीज में जाने की जरूरत नहीं है। स्टैंड अलोन प्राइस ये होती है कि अगर किसी प्रोडक्ट को आप अलहदा बेच दें रादर देन बल्क, अलहदा अलहदा बेचते अगर अपनी चीजें तो आप जिस प्राइस पे बेचेंगे अलहदा अलहदा वो स्टैंड अलोन प्राइस है, और इकट्ठा करके अगर कोई डिस्काउंटेड बेच रहे हैं वो है ट्रांजेक्शन प्राइस। एक सेकंड पिछले पे वापस आए, वसीम के केस में ट्रांजेक्शन प्राइस क्या है, 42,000, और स्टैंड अलोन प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स क्या है, इसका मतलब यहाँ कोई बल्क डिस्काउंट नहीं, 30,000 जमा 12,000 इज इक्वल टू 42,000। लेकिन क्या समटाइम्स इकट्ठी चीजें बेचने से तो सेलर डिस्काउंट भी दे देते हैं, मसलन फॉर एग्जांपल उधर ही ने मशीन में, लेट्स सी उसने आपको बताया था ट्रांजैक्शन प्राइस 40,000, तो 30,000 और 12,000 सेपरेटली क्या कहलाता, स्टैंड अलोन प्राइस। लेकिन क्या इस सिनेरियो ऑफ मशीन में स्टैंड अलोन प्राइसेस का सम ट्रांजैक्शन प्राइस के बराबर ही था। अब आए जरा सेकंड पेज के स्टार्ट पे, जो हम स्टेप 4 मैंने कहा था एक्सप्लेन करता हूं, एलोकेशन वाली लाइन छोड़ के नीचे लेवल वाला है, नो नीड ऑफ एनी एलोकेशन, एज अ ट्रांजैक्शन प्राइस एंड स्टैंड अलोन प्राइस सेम। लेकिन अब आए नीचे यू फोन, अगर हैंडसेट लदा बेचते तो फॉर एग्जांपल वो 300 का बेचते, और अगर सिर्फ नेटवर्क सर्विसेज देते विदाउट एनी हैंडसेट तो लेट्स अज्यूम हर महीने 80 रुपए लेते और देयरफॉर 960 रुपीज पर एनम लेते, और therefore इनको अगर टोटल किया जाए तो व्हाट इज 1260, सम ऑफ स्टैंड अलोन प्राइसेस, सम ऑफ स्टैंड अलोन प्राइसेस व्हाट इज 300 एंड 960 रिस्पेक्टिवली। अगर सिर्फ हैंडसेट बेचते और सिर्फ नेटवर्क सर्विसेज बेचते तो 300 960 रिस्पेक्टिवली। अब ये डेफिनेटली किसको हम नहीं बता रहे, ये कस्टमर की बहस नहीं है, ये सिर्फ सेलर को पता, एंटिटी को पता। तो हम अगर अलग अलग बेचते तो कितने का बेच रहे हैं, अलग अलग बेचते तो कितने का बेचते, 1260 टोटल। लेकिन हमने ये पैकेज जो है कितने पे बेचना शुरू कर दिया है, 1200 पे, तो क्या इसमें कोई इनहेरेंट डिस्काउंट छुपी हुई है, क्या हमेशा ही जरूरी है, लेकिन हो भी सकती है, कोई कंफ्यूजन जहन में आती है। तो स्टैंड अलोन प्राइस ठीक है, टेक्निकल डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन स्टैंड अलोन प्राइस सिंपली मीन्स कि चीजों को अलहदा अलहदा अगर बेचते तो किस प्राइस से बेचते, वो स्टैंड अलोन प्राइस है, और अगर एक से ज्यादा चीजें इकट्ठा करके बेच रहे हैं तो जो टोटल प्राइस है वो ट्रांजैक्शन प्राइस है। तो मीन्स इस एग्जांपल में व्हाट इज 1200 ट्रांजैक्शन प्राइस एंड व्हाट इज 300 960, एंड 1260 इज द सम ऑफ स्टैंड अलोन प्राइसेस। अब सवाल यहां ये उठता है कि हमें मिलेगा 1200 या 1260,
1200 मिलेगा, वो भी मंथली मिलेगा, 12 महीने मिलना है। देखें 100-100 रुपया करके 12 महीनों में मिलना है। क्या हम अपना कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड करें ऑन द डिलीवरी ऑफ हैंडसेट? क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या दो है? कौन कौन सी? हैंडसेट वाली परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब सेटिस्फाई हो जाएगी? वो उसी वक्त हो जाएगी। और नेटवर्क सर्विसेज की साथ साथ होगा। तो क्या हैंडसेट के अगेंस्ट हमें कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए? हम तो उसके अगेंस्ट ले ही कुछ नहीं रहे, हम ले ही कुछ नहीं रहे ना, इकट्ठा ही जो भी है इकट्ठा में ले रहे हैं। 1200 में किस किस के अगेंस्ट ले रहे हैं? ऐसे है ना, 1200 में किस किस के अगेंस्ट हम अपनी कंसिडरेशन ले रहे हैं? हम हैंडसेट के अगेंस्ट भी और नेटवर्क सर्विसेज के अगेंस्ट भी। अब हैंडसेट की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब सेटिस्फाई हो जाएगी? हैंडसेट देने की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब सेटिस्फाई हो जाएगी? और नेटवर्क सर्विसेज की वो साथ साथ। तो हैंडसेट जब डिलीवर कर देंगे तो क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए? कितने पे? 300 पे। अब यह मजबूरी क्या बनी है, यह मसला क्या बना कि जो सम ऑफ स्टैंडर्ड ऑन प्राइस है वो डिफरेंट है ट्रांजेक्शन प्राइस से। तो 1200 में दोनों का 60 एक डिस्काउंट है, वो 60 डिस्काउंट हम हैंडसेट पे दे रहे हैं या नेटवर्क सर्विसेज पे दे रहे हैं? अगर वो बता दे फॉर एग्जांपल कि सिर्फ हैंडसेट्स पे, तो 300 माइनस 60 240 पे हैंडसेट रिकॉर्ड कर लेंगे और 960 जो रेवेन्यू आएगा 80 करके पर मंथ रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर वो कह दे ये 60 हम सिर्फ नेटवर्क सर्विसेज के अगेंस्ट दे रहे हैं तो 300 रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे व्हेन वी ट्रांसफर द कंट्रोल ऑफ हैंडसेट, और 960 में से 60 माइनस कर देंगे, 900 लिखेंगे कैलकुलेटर पे, 900 डिवाइड बाय 12 तो 75 पर मंथ रिकॉर्ड कर लेंगे। समझ आया क्या कह रहा हूँ? अगर तो क्वेश्चन बताया किस पे ये डिस्काउंट है, तो किसी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे डिस्काउंट है फिर तो हम अकॉर्डिंगली करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो फिर हम ये अज्यूम करेंगे कि डिस्काउंट दोनों से रिलेट करते हैं, और देयरफॉर फिर अब हम ट्रांजेक्शन कॉस्ट को एलोकेट करेंगे बिटवीन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। पिछली एग्जाम्पल में ये जरूरत क्यों नहीं पड़ी? तब किसको क्या करना है? ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करना है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस पे। ये किसकी बेस पे करना होता है? ये जरा पिछले पेज पे जाए, यहाँ स्टेप नंबर 4 लिखा हुआ, तो वहां जरा ब्रैकेट में लिखा होगा एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस टू ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बेस्ड ऑन स्टैंड अलोन प्राइसेस। इस बहस की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी अगर सम ऑफ स्टैंड अलोन प्राइसेस इक्वल टू ट्रांजैक्शन प्राइस, अलग अलग पता है और देयरफॉर वो इक्वल है। इस समय सेम वाले एग्जांपल में जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन क्या यहाँ जरूरत पड़ गई है? इसका सर मेरा एक तरीका सुने और ये बहुत दफा यूज होना, कुछ कॉलम्स बने आपके पास नीचे बना हुआ शायद, आप चाहे ना बना आप लेकिन वर्किंग में जरूर करें। सबसे पहला काम ये होता है कि आप परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस लिखें, कौन कौन सी एंड नेटवर्क सर्विसेस। देन फिर आप इसके बाद ढूंढा करेंगे स्टैंड अलोन प्राइसेस, ढूंढ देंगे उसका कर लिया करेंगे सम। फिर आप इन स्टैंड अलोन प्राइसेस की बेस पे अपनी ट्रांजैक्शन प्राइस ढूंढ के एलोकेट किया करेंगे कैलकुलेटर से। 300 डिवाइड बाय 1260 तकरीबन 285.7। नेक्स्ट वन बैलेंसिंग भी आ सकता है, अगर दो ही फिगर्स हैं तो डिफरेंस भी ले सकते हैं 914.3।
डेफिनेटली अगर वो बता दे किस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन से रिलेटेड डिस्काउंट भी तो अकॉर्डिंगली हो जाएगा, लेकिन अगर ना पता हो तो फिर एलोकेट कर लिया जाता है किसकी बेस पे किसको एलोकेट कर रहे हैं। अब 1 जनवरी 16 डेट जहन में लगा, कैश नहीं मिला अभी, कैश कब मिलना है महीने के एंड पे, कभी 100 मिलना है तो पहली एंट्री हो जाएगी रिसीवेबल डेटर रेवेन्यू फ्रॉम हैंडसेट इनकम 285.7, महीना गुजार दें सर पूरा महीना गुजार दें सर, 31 जनवरी डेट आ गई, कैश भी आएगा कुछ, कैश कितना आएगा 100 भी आया होगा, कैश डेबिट 100 देन, लेकिन पहले एक और चीज का डिसीजन लेना, लिख लेते हैं कुछ नेटवर्क सर्विसेज के पैसे भी इनकम बन गए होंगे, कितने कितने कैसे। अब ये जो 914.3 था ये एलोकेट हुआ नेटवर्क सर्विसेज को, तो 914.33 डिवाइड बाय 76.2 पर मंथ। अब एक मंथ गुजर गया, पहली एंट्री आपने बताई है मुझे कैश डेबिट सॉरी रिसीवेबल डेबिट 1 जनवरी की बात करो, रेवेन्यू फ्रॉम सेल हैंडसेट क्रेडिट 285.7, किसका रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नेक्स्ट डेट आ जाएगी 30 जनवरी, वहां के रुक रहे हैं पैसे भी आ रहे हैं और एक महीने की नेटवर्क सर्विसेज भी शायद आप कमा रहे हैं, कैश डेबिट होगा 100, पहले इनकम का डिसीजन लेना, रेवेन्यू फ्रॉम नेटवर्क सर्विसेज 76.2 समझ आ गए। अब बाकी भी जो एक्स्ट्रा वो क्या हाँ लैंड हो गया वो पुराना रिसीवेबल चल रहा है 23.2 रिसीवेबल क्रेडिट, एक जरा अगले महीने की वैसे सोच लो कैश कितना, ये सेम एंट्री रिपीट हो तो आहिस्ता जरा कैलकुलेट करना, 23.8 लिखना इंटू 12 285.7 पूरा आ जाएगा कैश में, हर महीने के एंड पे 23.8 रुपीज उसको एलोकेट होते जाएंगे, ठीक है लिख लेंगे जी 914.3 डिवाइड बाय 1 गेम इतनी दूर निकल बैठे बैठे अब्दुल आदमी कहा था पेज देने कल था नहीं 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 पेज ये बना नहीं चाह रहा अब्दुल आदमी कल कुछ कहा आप लोगों को कुछ नहीं रख सकते पेज एक बनाना तो किसी को कहा पता करेंगे उठ के दौड़ लगा पेज नंबर 32 नहीं करेंगे
जी सर ऐसे ही है, अनलेस समय कोई अदर इंफॉर्मेशन। क्या हो सकता है एक बिजनेस एक से ज्यादा चीजें सर्विसेज दे के अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ? ये क्वेश्चन नंबर वन पढ़ी करोगे। ऑन 1st October 2017 गैलेक्सी टेलीकम्युनिकेशंस एंटर्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट द बैंक फॉर सप्लाइंग 20 स्मार्टफोन्स टू द बैंक स्टाफ विद अनलिमिटेड यूज ऑफ मोबाइल नेटवर्क फॉर 1 year। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर स्मार्टफोन इज 34,650 and the price is payable within 10 days from the date of the contract. Yes, sir. At the end of the contract, phones, alhamdulillah, unki ownership transfer. The entire amount received as per contract was credited to the underlying account line, was credited by GT to advance from customer account. Ab ye Galaxy telecommunication ke angle se zara sochna, requirement zara dekhte hain. रेवेन्यू अपन की बहस करनी है अपने बैंक के एंगल से नहीं, गैलेक्सी के एंगल से। पैसे मिले हैं गैलेक्सी के, उसने दिए हैं, कैलकुलेट करके देख कितने मिले होंगे। ऐसे ही नहीं यार, 20 स्मार्टफोन 34,650 विद इन 10 डेज मिलने थे। एंट्री को बोले इसको जहन में रखे अमाउंट को नहीं, हो गई है शायद। क्या एंट्री कोई की गई है? द एंटायर अमाउंट रिसीव बाय एज पर कॉन्ट्रैक्ट वाज क्रेडिटेड बाय, क्या एंट्री हो गई है? कैश डेबिट एडवांस पर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर बाय रुपीज 693 कैसे 34,650 इनटू। नेक्स्ट लाइन, बल्कि एक बात करूं, द स्मार्टफोन्स वर डिलीवर्ड ऑन 1st नवंबर 2017 इफ सोल्ड सेपरेटली गैलेक्सी टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस 18,000 फॉर अ स्मार्टफोन एंड मंथली फीस ऑफ 1,800 फॉर अनलिमिटेड यूज ऑफ मोबाइल नेटवर्क। क्या है सर स्टैंड अलोन प्राइसेस है दिख रहा? अगर क्या क्या लेदा बेचते तो कितने कितने का बेचते? अगर स्मार्टफोन और नेटवर्क सर्विसेज अलहदा अलहदा बेचते तो 18,000 स्मार्टफोन का और 1,800 पर मंथ नेटवर्क सर्विसेज का चार्ज करते, हमसे क्या रिक्वायरमेंट? एडजस्टिंग एंट्री फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2017। क्या मतलब एडजस्टिंग एंट्री? एक एंट्री होता है क्या? इस एंट्री में से कुछ इनकम बननी चाहिए, पैसों को एडवांस बना लिया गया? क्या ईयर एंड तक ये सारे पैसे एडवांस ही हैं? क्या इसमें से कुछ इनकम बननी चाहिए सर? किस चीज की और किस चीज की? मैंने अमाउंट नहीं पूछी, अमाउंट फाइंड आउट करना। स्मार्टफोन्स के अगेंस्ट और जितने रेवेन्यू है, जितने पैसे हैं, वो तो सारी इनकम बन जाने चाहिए। और नेटवर्क सर्विसेज के लिए कितने महीने की इनकम बन जानी चाहिए? देखे जरा, ढूंढा जरा। 3 शायद इसलिए नहीं, क्योंकि स्मार्टफोन्स डिलीवरी 1st नवंबर को कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन शायद डिलीवरी 1st नवंबर पे, तो शायद कंट्रोल तो कंट्रोल भी 1st नवंबर पे शायद, और नेटवर्क सर्विसेज भी शायद 2 महीने की बन जाएगी। कौन से 2 महीने? अब कैसे वर्किंग करें, हमें पता कैसे कैसे रेवेन्यू होना? क्या हमें एलोकेट करना पड़ना है? कैसे पता चला आपको? सम करेंगे तो पता चलेगा, नहीं तो सम किए ही नहीं। चेक करें जरा, सम करें, किसका सम करेंगे आप? हाँ जी, 18,000 लिखें कैलकुलेटर, 18,000 लिखें और इनटू वेल 18,000 स्मार्टफोन्स हैं, स्मार्टफोन्स के पैसे हैं, तो 18,000 इनटू 20
देख ले, देख ले पहले। और 1800 × 12 × 20 कहाँ से बीच में आ रहा? 18,000 पर स्मार्टफोन की, ठीक है, और 1800 के पर मंथ है, तो 1800 × 12 एक मिनट करा, 1800 × 12 कर क्या बनता है, 21,000 समथिंग। अब इनटू 20 भी शायद करना है, आई एम वर्किंग रजिस्टर कर, अब लिख के करा। मुसलसल हमारी कोशिश अभी यही होगी कि थोड़ा थोड़ा पढ़ी जाए और सवाल करी जाए, वरना फजूल में से बोरियत सी भी है इसमें। दो तीन लाइनें छोड़ दो एडजस्टिंग एंट्री के लिए। टेबल बताएं कैसे बनता है, एलोकेशन टेबल, डेट, रेंटल, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, कुछ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का वर्ड हजम हो रहा है। सेलर की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, असल में ये सिंगल से बोल रहा है, सेलर ने क्या परफॉर्म करना है अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्टफोन्स देना एंड नेटवर्क सर्विसेज। स्टैंडर्ड ऑन प्राइसेस, ये स्मार्टफोन का फायदा 18,000 × 20 कितना लगता है, 3600। नेटवर्क सर्विसेज 1800 × पहले 12 क्यों, मंथली है, इंटू 20 क्यों, 20 मोबाइल, फोर थर्टी, 7 7 9 2। नेक्स्ट कॉलम एलोकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन प्राइस, ट्रांजेक्शन प्राइस कैसे करते हैं, जो एग्रीड पैसे हैं, एग्रीड सेल प्राइस सॉर्ट ऑफ, बताएं जी कितनी है, ओके सर, 3465 ही है ना, इंटू 20 भी 3465 × 20 = 693। थ्री सिक्सटी डिवाइड बाय 792 एंड मल्टीप्लाइड बाय 693। व्हाट इज 315000? ट्रांजैक्शन प्राइस ऑफ हाउ मेनी स्मार्टफोन्स, थ्री 78,000, 378,000 इज ट्रांजेक्शन प्राइस ऑफ नेटवर्क सर्विसेस। बरा एलोकेशन में इशू तो नहीं सर, सिंपल शायद वर्किंग है, 432
डिवाइडेड बाय 793 इनटू 693 जी सर, एक एडजस्टिंग एंट्री करनी है दोबारा, वो देख लें कौन सी एंट्री पहले हुई भी है। क्या उसमें से 31 दिसंबर 17 पे कुछ इनकम बननी चाहिए? करवा दें एंट्री पहले सोच के। नहीं वो तो होगी भी, हमने रिक्वायरमेंट देखे, हमने सिर्फ एडजस्टिंग एंट्री करनी है। कौन सी एंट्री हो चुकी है क्रेडिटेड बाय, क्रेडिटेड तो हो चुका है, जो कैश है वो तो क्रेडिटेड हो चुका है, हमसे सिर्फ रिक्वायर्ड है कि एडजस्टिंग एंट्री करें फॉर द ईयर एंडेड। नहीं मतलब अब देख डेट अच्छा आप बताओ क्या, अगर इस साल असूलन तो होना क्या चाहिए था, जब ये पैसे आए थे ना तो ये सारे के सारे पैसे एडवांस बनने नहीं चाहिए थे, उसमें से असूलन तो कुछ जैसे नेट स्मार्टफोन्स के वो तो इनकम बन जाने चाहिए थे, और उसके बाद फिर जो बाकी था वो अनअर्न बनना चाहिए था, ये एडवांस ठीक है उसमें से 2 महीने की इनकम बनी थी, लेकिन ये हमने इस तरतीब से एंट्रीज नहीं करनी, हमसे ये नहीं कहा गया कि इस साल की सारी एंट्रीज करें, हम अपनी एंट्रीज करते तो हमारी पहली डेट शायद होती 1 नवंबर ही, बंदा 1 नवंबर पे क्या होगा, नहीं कैश कैश है तो कैश डेबिट करके हम 315,000 का स्मार्टफोन्स का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं, और फिलहाल 378,000 इसी फिगर बोल रहा हूँ, 378,000 उस दिन हम इनकम अनअर्न इनकम बनाते हैं, और फिर 31 दिसंबर पे आके हम इस अनअर्न इनकम में से 2 मंथ्स की इनकम बना लेते हैं, लेकिन हमसे शायद कुछ और रिक्वायर्ड। कौन सी एंट्री वो कर चुका है तो ईयर एंड पे हमसे मांग रहे हैं, अब वो डेफिनेटली उन डेट्स पे ही एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन उन डेट्स पे अगर नहीं भी हुई तो इस साल में तो हो जाए कम अज कम हो जाए, तो हम उन रिस्पेक्टिव डेट्स पे क्यों मेरे ख्याल एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम उन रिस्पेक्टिव डेट्स पे नहीं है, उस रिस्पेक्टिव डेट पे उसने सारी एडवांस की इनकम बना ली है, एडवांस लाइबिलिटी बना दी है सॉर्ट ऑफ, और अब हमने शायद एक रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी इस साल, और इस साल के एंड पे शायद करनी है। असूलन किन डेट्स पे हो जानी चाहिए थी, 1 नवंबर पे और 31 दिसंबर पे, जो बाकी 2 महीने देखना, बाकी कोई ऐसा डेट का इशू है इसमें इतना मसला भी नहीं है। मेरी सजेशन ये है कि शायद अकॉर्डिंग टू द स्टोरी हम 31 दिसंबर पे खड़े हैं, और जो हो गया उसको ठीक करना चाहते हैं, ठीक है वो तो एक अलग इशू है ना, होनी चाहिए थी लेकिन अब वो तो अब नहीं हुई, अगर हम शायद उस दिन होते पेबल तो नहीं था, रिसीवेबल फिर शायद होना चाहिए ना, हमें पैसे मिलने हैं, हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस वक्त किस डेट पे हैं, तो मेरे ख्याल में 31 दिसंबर पे हमें रेक्टिफाइंग एंट्री करनी, किस चीज की रेक्टिफाइंग एंट्री, जो एडवांस था उसमें से कुछ इनकम बनाना ताकि एडवांस ठीक हो जाए, शायद अभी भी कुछ पैसे एडवांस में है रिलेटेड टू नेटवर्क सर्विसेज रिमेनिंग 10 मंथ्स ऑफ द फ्यूचर, बता दें कौन सी डेट लिखनी। हाँ पहले लेकिन पूरी बात सुना, बताए रेवेन्यू फ्रॉम स्मार्टफोन्स कितना क्रेडिट, डेफिनेटली डेट वाइज अगर चले तो उसी दिन होना चाहिए था, लेकिन क्या एट द एंड ऑफ द डे इसी साल रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, अगर फॉर एग्जांपल डेट में आगे पीछे हो भी जाए तो कम से कम करंट अकाउंटिंग ईयर में एंट्री हो जानी चाहिए, लेकिन अगर हमसे कहते इस साल की एंट्रीज करें तो फिर हम रिस्पेक्टिवली शायद उन डेट्स पर रुक के करते जिन दिन डेट्स पर रुक के होनी चाहिए, देख लें बहरहाल अगर इसी में कन्फ्यूजन है तो बता दो, बाकी बताने क्या करें। हाँ वो 378 डिवाइडेड बाय 12 इनटू 2 63,000 के अगेंस्ट रेवेन्यू फ्रॉम नेटवर्क सर्विसेज क्रेडिट, रेवेन्यू फ्रॉम नेटवर्क सर्विसेज क्रेडिट, अब क्रेडिट तो मैंने कर दिया, डेबिट क्या करें, एडवांस क्यों डेबिट करें, क्योंकि सारा एडवांस पहले रिकॉर्ड हुआ हुआ है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर के हेड से बनाया हुआ, तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर डेबिट बाय रुपीज 378, देख ले दोबारा, ये ठीक है बेटा ऑनलाइन सर्विस, ये जो एंट्री हुई थी वो थी कैश डेबिट एंड एडवांस क्रेडिट,
वापिस आ जाओ पेज नंबर 3 पर। ये कुछ पैसे लायबिलिटी रह जाएंगे सर, जब बैलेंसिंग लायबिलिटी रह जाएगी उसका क्या करेंगे? जब नेक्स्ट ही नेटवर्क सर्विसेज देंगे तो उसका क्या करेंगे? जी पेज नंबर 3 सर। फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ 5-स्टेप मॉडल। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। अब यहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशन लिखी हुई है। कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं सर? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज दैट क्रिएट्स इनफोर्सेबल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। कुछ सेलर की ऑब्लिगेशंस है और कोई सेलर का राइट भी है, पैसे मिलना उसका राइट है, और कस्टमर की ऑब्लिगेशन क्या है और उसका राइट क्या है? तो कॉन्ट्रैक्ट उस एग्रीमेंट को कहते हैं जिससे राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो। कॉन्ट्रैक्ट में बी रिटन और ओरल, और एज पर बिजनेस प्रैक्टिस, फॉर एग्जांपल किसी ने अगर ना रिटन हुआ ना ओरल हुआ, बस आपको पर्ची पकड़ा दी, और बल्कि पर्ची करनी भी पकड़ाई, आप चीजें घर लेके आ गए, तो मतलब बहरहाल लीगल अपनी जगह होगी शायद, अपने शायद लॉ में भी पड़ी होगी डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट की। लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपली एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयड भी हो सकता है। Then we get the identity of the performance obligations. A contract includes promises, vade to transfer goods and services, promise to deliver goods and services. A transaction price is definition of the data. Transaction price is the amount of consideration in a contract the entity expects to be entitled. Here, what is the underlying? Standalone price or price hai jo hoti agar hum alada bechte. ट्रांजेक्शन प्राइस असल में वो प्राइस है जिसके हम एंटाइटल होंगे चीजें दे के, तो ट्रांजेक्शन प्राइस में फाइनली रेवेन्यू बनना, तो इनमें फर्क है। हाँ जी, अगर डिस्काउंट होगी तो फर्क होगा, वरना सेम भी हो सकती है, क्या किसके बराबर भी हो सकता है, लेकिन हमने फाइनली एंटाइटल किस चीज का होना, ट्रांजेक्शन प्राइस का एंटाइटल होना है। और अगर वो एक ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की थी तो स्टैंड अलोन प्राइसेस को बेस बना के उसे बस एलोकेट करना, ये हमने सीखा। नेक्स्ट कहता है ट्रांजेक्शन प्राइस इज ऑल्सो एडजस्टेड फॉर द इफेक्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इफ द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स अ सिग्निफिकेंट फाइनेंस फाइनेंसिंग कंपोनेंट, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का मतलब यहां लिखना इंटरेस्ट फाइनेंसिंग। कंसीडरेशन ट्रांजैक्शन इन प्राइस इज आल्सो एडजस्टेड फॉर एनी कंसीडरेशन पेबल टू कस्टमर। कंसीडरेशन कस्टमर देता है या सेलर देता है? नहीं नहीं दोनों नहीं देते हैं। मुआवजा कौन देता है? कस्टमर। सैलरी या गुड्स या सर्विसेज हमने तो ये सुना, लेकिन यहाँ क्या वर्ड्स देखे हैं? कंसीडरेशन पेबल टू कस्टमर। ये क्या चीज है? नहीं, ये क्या चीज है यार? पहले जरा टाइम वैल्यू मनी को समझ कर, मतलब यहाँ लिखा है कि ट्रांजैक्शन प्राइस में टाइम वैल्यू मनी भी का इफेक्ट भी हो सकता है और कंसीडरेशन पेबल टू कस्टमर का भी हो सकता है। कौन सी चीज इंशाल्लाह लेटर ऑन हो गई है? ट्रांजैक्शन कंसीडरेशन पेबल टू कस्टमर लेटर ऑन हो गई है। इस वक्त बहस किस पे अब शुरू होने लगी है? टाइम वैल्यू मनी का। टाइम वैल्यू मनी का पहले जरा डिस्कस करना।
Revenue is the market price less than a trade discount. Yes, sir. Allowed. सही? Trade discount words नहीं अभी? Yes, sir. Negotiation discount. वैसे वैसा करते हैं जाकर. If sale, if sale is cash sale. So revenue is the immediate sale proceeds. Yes, sir. Cash sale की entry बोलो. इतने पे cash debit करेंगे उतने पे sale. कोई issue नहीं इसमें. If sale is a normal credit sale का यहाँ मतलब है routine की credit sale का मतलब है 15, 20 दिन, 30 दिन, 15 days, 30 days, तक 1 month normal ही है. Yes. 15, 30 days, up to 30 days. बड़ी हद 2 महीने. जी ये बहुत ratio. If the sale is normal credit sale. Revenue is the expected future receipt. Credit sale की entry बोला था. कितने से? जिससे जितने हमें मिलने होंगे customer से किस दिन? At the end of credit period. नहीं नहीं risk and reward तो अभी चले जाएं. चीजें तो हम देंगे तो sale record करेंगे. कितने से? जितने पैसे हमें कब मिलने होंगे? अभी मिल गए या मिलने होंगे? तो 15, 20, 25, 30 दिन बाद जो मिलने होंगे उसे डेबिट करें. देखते हैं, इट इज अ नॉर्मल क्रेडिट सेल. रेवेन्यू इज एक्सपेक्टेड फ्यूचर सी. मतलब मैं डेटर डेबिट सेल क्रेडिट लाख रुपए से अगर कर रहा हूँ तो व्हाट इज दिस लाख? क्या ये लाख फ्यूचर में मिलना होगा? ये लाख फ्यूचर मिलना होगा. तो अगर तो कैश सेल है तो जो इमीडिएट मिला है वही सेल है. और अगर फॉर एग्जाम्पल कैश अभी मिलना है फ्यूचर में तो क्रेडिट सेल के अगेंस्ट पैसे फ्यूचर मिलने उस पे एंट्री आज करेंगे या तब करेंगे? आज किस पे करेंगे? आज सेल किस पे क्रेडिट करेंगे? उस प्राइस पे जो हमें फ्यूचर मिलनी, उस वो पैसों पे जो फ्यूचर मिलनी. देख ले सोचो. हाउएवर इन सम केसेस द पेमेंट इज डेफर्ड. माय फेवरेट वर्ड आ गया पोस्टपोन. अब यहां जो पोस्टपोन वर्ड है, हाँ जी, अब डेफर्ड लंबे से लिए पोस्टपोन. द कैश सेल प्राइस माइट बी लेस देन द अमाउंट दैट विल इवेंचुअली बी रिसीव्ड. नहीं, पहले तो ये वर्ड लेस देन या मोर देन? आज लाख रुपए पे बेच रहे थे आप. कस्टमर ने आपसे कहा कि मैं 2 साल बाद पैसे दूंगा, इंस्टॉलमेंट्स में दूंगा. इंस्टॉलमेंट्स भी होती हैं? नहीं सर. तो देर पर क्योंकि बेचारा दे नहीं पा रहा होगा तो हम उससे कम ले लेंगे. जी बस यही था सर. क्या फिर इसमें वो भी होगा? फाइनली मनी भी होगा. तो क्या विल बी लेस देन? क्या कैश सेल प्राइस विल बी लेस देन द फ्यूचर वैल्यू अल्टीमेटली हमें रिसीव होगी. तो वही स्टोरी सर जो लीज में पड़ी वो सारी आ रही है. द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सेल वैल्यू एंड द कैश प्राइस. अब यहां टोटल सेल वैल्यू से मतलब फ्यूचर सेल वैल्यू है, फ्यूचर अमाउंट जो मिलेगी टोटल. एंड कैश प्राइस ऑफ कंसीडरेशन इज रिकॉग्नाइज्ड एज. लेकिन यार हमने एंटिटी के एंगल से सोचना है फिलहाल. ये इंटरेस्ट इनकम बनेगी, एक्सपेंस बनेगा, लेकिन ऑब्वियसली किसका एक्सपेंस होगा? अगर सोचेंगे तो ऑपोजिट हो जाएगा. However, this adjustment is only required. बाकी ये जो next लिखा हुआ है इधर exam point of view से. However, this adjustment is only required if the period between the transfer of goods and services and receipt of cash, period between transfer goods and receipt of cash is equal to or more than 1 year. लेकिन एक चीज और लिखें, और if any other information is available. और इफ एनी अदर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल से मेरी मुराद है कि फर्ज करें आपको एग्जामिनर ने कहा है कि आज क्या करेंगे 25 जुलाई फॉर एग्जाम्पल, अगर आज ही बेचें तो 1 लाख प्राइस है और 15 दिन बाद अगर लेंगे तो 5,000 एक्स्ट्रा हो जाएगा. तो अगर वो ये बता दे फिर डिफरेंटली हम इस स्टोरी में भी टाइम वैल्यू मनी को कंसिडर कर लेंगे. लेकिन आम हालात में नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स में इंटरेस्ट इनकम इग्नोर रखेंगे
अनलेस कोई इंफॉर्मेशन मिले, आम हालात में हम डेफर्ड और टाइम वैल्यू मनी की बात तभी करेंगे जब कम से कम एक साल या उससे ज्यादा का टाइम होगा, अनलेस कोई हमें अदरवाइज इंफॉर्मेशन मिल जाए कि लेस देन वन ईयर में भी कोई टाइम वैल्यू मनी का एलिमेंट एग्जामिनर बताना चाहता है। ये समझ आ रही है मेरे जो ब्रैकेट के बारे में? नहीं, जो ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा, ब्रैकेट से बाहर क्या था? एक नजर पढ़ लें पैराग्राफ। जी बेटा यही बात बताई थी, ये मैंने उस जब भी कंसोलिडेशन में ये बहस आई थी उस वक्त ये बात इसी की थी, लेकिन बहरहाल वो फिर उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद आईएएस 37 में शायद होती रही है। जी एग्जांपल एन एंटरप्राइजेस एंड एंटरप्राइज सेल्स अ मशीन ऑन 1st January 2015 The terms of sale are that the enterprise will receive 5 million on 31st December 16 after how many years? The appropriate discount rate is 6%. Next page mein aata hai, bas yahi hai. In 2 saalon ki to entry karwani hai. Register kar lo. Kar denge mom. कुछ एंट्रीज लिखो, ये टॉपिक मेरा ख्याल है कुछ साल पहले F1 में था, जुल्म था वहां, मतलब आप लोगों के साथ नहीं, मतलब सब कुछ पढ़ा हुआ आइडिया है वहां, ना वो था ना वो था ना वो था और अचानक ये था। बस स्टेट पे बैठा, बस जनवरी 15, लेकिन पिछली दफा जो बेचारे मासूम लोग थे उन्होंने FA1 में भी पढ़ा था, जब वो FA1 में थे तो वहां था, जब FA2 में आए तो फिर वहां भी आ गए, उन्होंने दो दो दफा पढ़ा माशाल्लाह। बस जनवरी 15 को एंट्री बताएं, आप किसकी बुक्स में एंट्रीज कर रहे हैं? सेलर 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 कर रहे हैं जी। पहली एंट्री सर रिसीवर डेबिट है, पैसे कब आने? अच्छा यहाँ 2 साल बाद इकट्ठे आने, इंस्टॉलमेंट्स में भी हो सकते हैं लेकिन फिलहाल नहीं। किस चीज का रेवेन्यू क्रेडिट? अब यहाँ अगर हम मशीन बेच रहे हैं तो सॉर्ट ऑफ कुछ स्टॉक है, रेवेन्यू फ्रॉम सेल 5 मिलियन से एंट्री कर लेंगे, 5 मिलियन से कर लेंगे या प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे, वन प्लस वाला यूज करेंगे या न्यूटी यूज करेंगे? एक ही अमाउंट है 0.06 लिखना ना भूलिएगा, माइनस 2 साल बाद 44 नहीं बता दें क्या अमाउंट होती, 444998882 इस स्टोरी का मतलब यह है कि अगर आज बेचते और 6% इंटरेस्ट रेट है तो 444982 का बेच रहे होते। नेक्स्ट रेट से डबल एंट्री ना सर, ना सर, ना सर, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कितने कैसे? किस पे वो सॉर्ट ऑफ टेबल है, वो ही बचपन आई 37 भी है, फाइनल करना सर प्रेजेंट वैल्यू से रेट से मल्टीप्लाई ये फ्री वगैरह वगैरह, ट्रिपल 4998 इनटू 6%। कोई और तरीका भी वैसे है क्या? 5 मिलियन की प्रेजेंट वैल्यू ले लें माइनस 1 करके और उसको कंपेयर कर लें जो आपकी पहली वाली प्रेजेंट वैल्यू उसका डिफरेंस हुआ, लेकिन टाइम वेस्टिंग है। 2666999 डबल एंट्री पूरी थी।
अब इसमें इस तरह भी किया जा सकता है, लिखेंगे ना कि डेटर डेबिट कर लिया जाता पहले रसीबल की जगह, और फिर इंटरेस्ट रसीबल अलग कर लिया जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस तरह से सोचना जरा टाइम सेविंग होगा कि पहले सिर्फ गुड्स का रिसीवेबल था, अब एक साल का इंटरेस्ट भी रिसीवेबल हो गया। उसी तरह जिस तरह IFRS 9 में ही कुछ बातें हुई थी, अब इस टोटल रिसीवेबल में क्या क्या आ जाएगा, गुड्स का रिसीवेबल भी है और इंटरेस्ट का रिसीवेबल भी है यार, दोनों सालों की करवा देना नेक्स्ट डेट। सोच के बताएं, अलग अलग बताएं, पहले क्या करें, पहले दूसरे साल की इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड कर लें, बाद में फिर पैसे रिसीव कर लेते हैं। ऐसे ये कंपाउंड भी हो सकती है, लेकिन स्टेप वाइज हो जाएगा, रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। कैसे कंपाउंडिंग गेम चल गई है सर, साल बाद अब बल्कि एक टेबल सॉर्ट ऑफ बनाया था सेम, ये जब कुछ दिन पहले जो अनइक्वल रेंटल्स डिफरेंट डेट्स पे भी ना हो गया, तब रेंटल का कॉलम खाली है, ओपनिंग स्टार्टिंग बैलेंस 444982, फिर रेंटल पेमेंट कोई रिसीव नहीं हुई, प्रिंसिपल कुछ नहीं, सिर्फ ये इंटरेस्ट बना, ये कंपाउंड हो गया, तो बैलेंस में अब कितना आ रहा होगा, कंपाउंडिंग हो रही है, सॉरी प्लस 266, नहीं क्लियर हो गया प्लीज, लिंक करें बिल्कुल यही सेम काम आई 37 में डिस्पेंडिंग में होते रहे हैं, 3 लाख 3,30,000 अमाउंट बताइए, 019 283 019 019। नेक्स्ट डेट सर, तो आप क्या करना है यार, इस डेट बस कर ही गया, कैश डेबिट रिसीवेबल और इंटरेस्ट इनकम चेक करें, रिसीवेबल टोटल तकरीबन 5 मिलियन हो गया, अगर कोई एक आध रहता है तो एंट्रीज काट के ठीक कर लेना, चेक करें रिसीवेबल टोटल 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 5 मिलियन तकरीबन हो गया, इग्नोरिंग एनी राउंडिंग ऑफ इफ एनी, सॉरी फाइनल एंट्री फिर कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट 5 मिलियन। इंटरेस्ट इनकम किधर गई, तो रिसीवेबल तो प्रिंसिपल से रिकॉर्डेड था, हाँ जी उसमें फिर इंटरेस्ट भी आता रहा, ये प्लस कर लिए सर ने, चेक कर लीजिएगा यार, रिसीवेबल्स कंप्लीट हो गए थे, पेज नंबर 4 पे आ रहे, पेज नंबर 4 के एंड पे नोटेड है प्लीज, सेल एंड एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स ऑन 30th June 1 आश्रम लिमिटेड सेल गुड्स और कस्टमर ऑन एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स, एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स क्या लंबे अरसे की क्रेडिट टर्म्स, द कस्टमर इज रिक्वायर्ड टू पे 1000 फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑन 30th June 2022। The cash sale price is 909, present value करके आपको बता दी गई, जल्दी से चेक करके देखें ठीक है, कितने से बाद 1000 × 1 + 0.1 - 1 909 year end 31st December, बस ये मसला ईयर एंड 31st December है, तो आराम आराम से इसमें एक गलत तरफ तक समटाइम गेम चली जाती है, जानी चाहिए एंट्री से बन गई स्पीड अप, फर्स्ट डेट
डबल एंट्री रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट जी रेवेन्यू फ्रॉम सेल। हम जैसे जरा कॉन्शियस हो रहे हैं वैसे रेवेन्यू मीन्स ही सेल है। अगर बारह गुड्स का रेवेन्यू है तो रेवेन्यू फ्रॉम सेल सिर्फ सेल इनकम 909 एट प्रेजेंट वैल्यू। नेक्स्ट डेट 31 दिसंबर पे रुकने की वजह ये रेंड आ गया कैसे ये वाली एग्जांपल करने की वजह से मैं गौर से करा। देखिए 909 इंटू 10% ही है बेसिकली ये पूरे साल का है। सुनिए बात पूरी तरह इंटू 6/12 ये 6/12 सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि ईयर एंड आ गया। जब नेक्स्ट 6 months की वर्किंग करेंगे तो क्या 909 प्लस दिस इंटरेस्ट ऑफ वो तब होता है अगर सेमी एनुअल कंपाउंडिंग होती। चले पहले यहां तक लिखेंगे पहले से ये पहले फिगर बताओ 45.5 असल गेम तो बाहर ही रिसीवेबल डेबिट रुपीज 45। नेक्स्ट ईयर कैंगल से होगी कंट्री डिफाइंड 2002 होते नहीं वाले तरह कर रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट प्लस होगा 909 प्लस 45 इंटू 10% अभी थोड़ी पहले दिया ही है। कंपाउंडिंग 6 monthly भी हो सकती है लेकिन अगर एग्जाम में बताए क्वार्टरली भी मंथली भी लेकिन अगर ना पता तो एनुअल कंपाउंडिंग। तो यहाँ कंपाउंडिंग क्यों नहीं है नहीं एनुअल वाला इशू नहीं है सही तरह समझे। असल में वो एक साल का था 909 इंटू 10% सालाना बना था तो साल का वही था बस दो हिस्सों में इसलिए हुआ क्योंकि ईयर एंड आ गया। तो क्या उसी का 6/12 पिछले एग्जांपल में और इसमें क्या डिफरेंस है साल गुजरा अगले साल की बहस थी वो नेक्स्ट ईयर आ रहा था यहाँ नेक्स्ट अकाउंटिंग है तो आ रहा है लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के अभी सिर्फ 6 महीने ही हो रहे हैं तो वो सिर्फ 6 monthly डिवाइड हुआ। मेरे वर्ड्स होपफुली क्लियर है बताएं कितने से लिखें 45.5 कोई 146 लिख लें यार इकॉनमी पूरा हो जाए कहीं यही ना गेम रहते बाद में ठीक है 45 मेरी इतराज नहीं है। लास्ट एंट्री से कितने से 1000 बनेगा तो करेंगे नहीं यार पेज नंबर 5 दरमियान में पड़े डाटा ये क्लियर होगी बात ये जो 6 month वाली शाहिद लिमिटेड सोल्ड अ प्लांट टू अ कस्टमर ऑन 1st October 2011 जी ठीक है बिल पेबल 3 lakh पेबल एट द एंड ऑफ 30th September 13 मार्केट इंटरेस्ट रेट इज 10% प्रोवाइड ऑल जर्नल एंट्रीज इन शाहिद लिमिटेड जर्नल जर्नल फॉर द ईयर एंड 31st December करवाई फिर करने दो करने फिर बाकी जी 1st October 2021 डबल एंट्री रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट कैसे 300,000 इंटू 1 प्लस
पॉइंट वन माइनस दो साल बनते हैं 247.93। अच्छा यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल वाली तब एंट्री होती है, याद है किसी को? अगर इंफॉर्मेशन हो पुरानी चीजें। नेक्स्ट डेट 31 दिसंबर ईयर एंड जनवरी 31 दिसंबर आ गया 3 महीने बाद। जी डबल एंट्री रिसीवेबल डेबिट ट्रस्ट इनकम कितने से कहते 247.934। अच्छा आप यहाँ ये भी याद रखना इनटू 10% हुआ है और सिर्फ ईयर एंड की वजह से 3/12 और अगला 9 भी ऐसे ही आएगा। नेक्स्ट मंथ में रिमेनिंग 9 भी एज इट इज आएगा। वन सेकेंड डिवीजन भी है बस 6198। चले ये बहस यहाँ से शुरू करने का। कल ये पेज नंबर 30 से पे जो क्वेश्चन स्टार्ट हो या फिर जितने भी कर सके वो घंटा लगा लो, मेरे ख्याल 3-4 हो जाना। मेरे ख्याल 1-2 दिन में फिर इसका टेस्ट रख लेते हैं, लेकिन पहले आप जरा कुछ क्वेश्चन और फाइनल कर लो। अब लीज को टाइम देना बस आपने, इन दिनों में लीज को देना है 37 की तरफ लेके जाना। मैंने पहले आज लीज को देना टाइम। आई एम अज्यूमिंग कि कंसोलिडेशन आपने काफी हद तक अब कर ली है। ये ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स 3:30 ऑनवर्ड्स यारी इस पे काम करो।